बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख अमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जमा दुआम मजमून उर्दू, आपकी उर्दू इता बाल भारती। नज्म नंबर 5 कौवा, हमने नज्म पढ़ चुके हैं, हिस्सा अव्वल में हम ये नज़म पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस नज़म की जो मशकी सरगर्मियां हैं आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। मशकी सरगर्मियाँ, अब नज़्म के बाद जो मशकी सरगर्मियाँ हैं उसको हल कर लेते हैं। देखो पढ़ो और लिखो, देखो पढ़ो और लिखो। यहाँ ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों? सेना। तो इसको किस तरह से हम पढ़ेंगे? से ना। और लिखेंगे किस तरह से हम इसको? इस तरह से लिखेंगे सेना। इसके बाद स्याही, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? सिया सी या ही, सी या ही, स्याही। और किस तरह से लिखेंगे हम इसको? इस तरह से लिखेंगे स्याही। यह आ गया खुतरा, इसको किस तरह से पढ़ेंगे? खुतरा, खुतरा। और किस तरह से हम लिखेंगे इसको? इस तरह से लिखेंगे खुतरा। यह आ गया हमारे सामने पसारे, तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? प स रे, प स रे, पसारे। और इस तरह से लिखेंगे हम पसारे। नज़्म
नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। अभी आपके सामने सवालात आ रहे हैं, उसके जवाबात हमको लिखना है। तो पहला सवाल है, सारे कौवे एक जैसे क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं सारे कौवे एक जैसे? सब क्योंकि सारे कौवे काले रंग के होते हैं। सारे कौवे काले रंग के होते हैं, इसलिए हमें एक जैसे लगते हैं। दूसरा सवाल है, कौवों को शायर ने क्या कहा है? कौवों को शायर ने क्या कहा है? कौवों को शायर ने काली सेना के सिपाही कहा है। कौवों को शायर ने काली सेना के सिपाही कहा है। सवाल नंबर 3, कौवे की आवाज कैसी होती है? कौवे की आवाज कैसी होती है? इसका जवाब है प्यारे बच्चों, कौवों की आवाज बुरी होती है। कौवों की आवाज बुरी होती है। चौथा सवाल है, कौवे की कौन सी आदत अच्छी लगती है? कौवे की कौन सी आदत अच्छी लगती है? तो इसका जवाब है, वो भाइयों की दावत करता है, यानी खुद उस वक्त तक नहीं खाता जब तक सबको ना बुला ले, ये उसकी अच्छी आदत है। पांचवा सवाल है, कौवा किसके लिए घर घर फिरता है? कौवा किसके लिए घर घर फिरता है? और जवाब है, कौवा भूख के मारे पेट भरने के लिए घर घर फिरता है। कौवा भूख के मारे पेट भरने के लिए घर घर फिरता है। सवाल नंबर 6 है, कौवा कौन सा काम फुर्ती से करता है? कौवा कौन सा काम फुर्ती से करता है? और उसका जवाब है प्यारे बच्चों, कोई खाने की अशिया मिल जाए तो झट ले उड़ता है। कोई खाने की अशिया मिल जाए तो झट ले उड़ता है। सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। सही लफ्ज चुनकर खाली जगह में लिखो। अभी यहाँ खाली जगह आ रही है और हमको उसमें सही लफ्ज चुनकर लिखना है। हमको उस अल्फाज दिए जाएंगे, उसमें से सही लफ्ज चुनकर लिखना है। पहली खानापुरी है, कौवे की वर्दी खाली जगह होती है और यहाँ उसके मुतबादिल जवाबात हैं, उसके ऑप्शंस हैं, सफेद काली सुनहरी। दूसरा खानापुरी है, कौवे की आवाज खाली जगह लगती है। तो कौवे की आवाज कैसी लगती है प्यारे बच्चों? बुरी, रसीली, भली। तो सबसे पहले ये जो तीन ऑप्शन थे, सफेद काली सुनहरी, तो कौवे की वर्दी कैसी होती है? काली होती है। कौवे की आवाज कैसी लगती है? खाली जगह लगती है, तो हमको कैसी लगती है उसकी आवाज? बुरी लगती है। तीसरा है, कौवा भूख के मारे खाली जगह करता है। चौथा है, खाली जगह के हाथ में टुकड़ा था। और पांचवी खानापुरी है, शायर ने कौवे को क्या लिखा है? तो हमको यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो है, कौवा भूख के मारे खाली जगह करता है। क्या करता है? काय काय, गुटर गु, चिक चिक। क्या करता है? काय काय, सही जवाब।
हालिया के हाथ में टुकड़ा था। किसके हाथ में टुकड़ा था? बच्चे कौवे काले, किसके हाथ में था? बच्चे के हाथ में। शायर ने कौवे को क्या लिखा है? कौवे को लिखा है क्या लिखा है? भागा काका जागा, भागा कागा जागा, तो क्या लिखा है? कागा। क्या लिखा है? कागा। ऐसे लफ्ज तलाश करके लिखो जो नज्म में दो दो बार आए हैं। ऐसे लफ्ज तलाश करके लिखो जो नज्म में दो दो बार आए हैं। जैसे हमने ढूंढ लिया है काली काली, है ना, और घर घर, काए काए, दाने दाने, हा हा हा। तो ये सारे अल्फाज जो नज्म है दो दोबारा है। ज़ेल के काम की शक्ल बदल कर लिखो, जैसे पाना से पाले, बुलाना से बुलाले। तो हमको क्या करना है? काम की शक्ल बदल कर लिखना है। खाना से, हंसना से, तीसरा है पीना से, चौथा है रोना से, पांचवा है गाना से, छठा है देखना से। अब हमको क्या करना है? इसकी शक्ल बदलना है। खाना से क्या आएगा? खा ले। फिर हंसना से हंस ले, पीना से पी ले, पीना से पी ले, रोना से रो ले, गाना, उसकी शक्ल बदलना है तो गाना से गा ले, देखना से देख ले। ये हमने काम की शक्ल बदल ली। नज्म से ऐसे लफ्ज चुन कर लिखो जो दा से शुरू होते हैं। नज्म से ऐसे लफ्ज चुन कर लिखो जो द से शुरू होते हैं। ये तो हमने लिख लिए हैं, क्या आएगा? देखे, और दूसरा आएगा दाने, तीसरा आएगा दावत, चौथा देखा। सही जवाब के सामने निशान लगाओ, सही का निशान लगाओ, सही जवाब के सामने सही का निशान लगाओ। कौवे की अच्छी आदत, कौवे की कौन सी अच्छी आदत है हमको बताना है, तो यहाँ हमको उसके मुतबादिल जवाब दिए जा रहे हैं। तीन है, तीन में से एक जो है वो सही है, तो हम देखेंगे कि कौन सा सही है। भूख के मारे काय काय करता है, भाइयों की दावत करता है, बच्चों के हाथ से टुकड़ा उचक लेता है। तो कौवे की अच्छी आदत कौन सी होगी प्यारे बच्चों? उसके सामने हमको ये सही का निशान लगाना है। सोचो सोचो, बोलो। बिल्कुल सही। तो सही जवाब क्या होगा? भाइयों की दावत करता है, सही जवाब।
कौवे एक जैसे नजर आते हैं, क्यों? सब काले रंग के होते हैं, सब भूरे रंग के होते हैं, सब झुंड बनाकर रहते हैं। तो सब कौवे एक जैसे नजर आते हैं, कैसे नजर आते हैं? सब काले रंग के होते हैं, सब भूरे रंग के होते हैं, सब झुंड बना के रहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा जवाब सही है प्यारे बच्चों? इसके सामने हमको सही का निशान लगाना है। बिल्कुल सही, सब काले रंग के होते हैं। नज्म से ऐसे लफ्ज चुनकर लिखो जिनमें वाव आया है। वाव जो है ना, वो ऐसे लफ्ज हमको चुनना है जिनमें वो आया है। तो हम वो लफ्ज चुनकर लिखेंगे। तो कौन सा आया है? कौवे, यहाँ है ना वो, देखो ये वाव है यहाँ, ठीक है। चोंच यहाँ है, वर्दी यहाँ है, सूरत यहाँ है, आवाज यहाँ है, कानों, भाइयों, दावत, जो, को, भूख, कोना, तू, उदा, वाह। तो हमने सारे लव्स लिख दिए हैं जिनमें वह आया है। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए शेरों में से एक जैसी आवाज वाले लफ्ज लिखो। काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक स्याही, अच्छी है पर उसकी आदत, भाइयों की करता है दावत, उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा। बच्चों आप जानते हैं कि नज्म कई अशार पर मुश्तमिल होती है और एक शेर दो मिसरों से मिलकर बनता है। हर मिसरे के आखिर में एक जैसी आवाज वाले कुछ अल्फाज का बर्मिला इस्तेमाल किया जाता है जिसे रदीफ और काफिया कहते हैं। तो जो एक शेर होता है उसमें दो मिसरे होते हैं, एक जैसे इसमें ये एक मिसरा और ये एक मिसरा, ये दो मिसरे मिलकर एक शेर बनते हैं। और हर मिसरे के आखिर में जैसे यहाँ ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो उनके आवाज होती है एक जैसी होती है, जैसे यहाँ सिपाही स्याही। तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो है रदीफ और काफिया कहते हैं। और शायन इस नज्म के जरिए बहुत ही दिलचस्प अंदाज में एक परिंदे की खूबियों का उजागर किया है जिसे लोग उमूमन पसंद नहीं करते, जिसे कौवे को लोग पसंद नहीं करते, फिर भी शायर ने उसे उसकी खूबियों को क्या किया है, बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है। इस नज्म से हमें ये सीखना चाहिए कि सिर्फ जाहिर पर नजर ना रखते हुए हमें बातिन पर भी नजर रखनी चाहिए। हो सकता है हम जिसे बुरा समझ रहे हो वो अंदर से अच्छा हो, है ना। तो अब हमको क्या करना है, एक जैसी आवाज वाले लफ्ज बताना है। तो हमने बता दिए हैं, एक तो सिपाही और दूसरा है स्याही, है ना।
और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे अच्छी है पर उसकी आदत भाइयों की करता है दावत। आप समझ गए होंगे कि यहाँ आदत और दावत एक जैसी आवाज वाले अल्फाज है ना, आदत और दावत। उछला कूदा लपका सुकड़ा हाथ में था बच्चे के टुकड़ा, तो आप यहाँ समझ गए होंगे सुकड़ा और टुकड़ा एक जैसी आवाज वाले लफ्ज है। सुकड़ा और टुकड़ा, सिपाही स्याही, आदत दावत, सुकड़ा टुकड़ा। नीचे लिखे हुए मिसरे पूरे करो, तो यहाँ मिसरे दिए गए हैं लेकिन पूरे नहीं है, हमको उसको पूरे करना है। कौवे हैं सब। दूसरा है चोंच भी काली पर, तीसरा है लेकिन है सी खाली जगह है वहां, और कानों में लगती है। उसके बाद है ताक रहा है, उसके बाद है कुछ देखा तो, हमको अब खाना पूरी क्या करना है पूरे करना है, तो क्या आएगा कवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले, लेकिन है आवाज बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी, ताक रहा है कोना खुतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा। तो ये हमने मिसरे पूरे कर दिए हैं। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काली, लेकिन है आवाज बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी, ताक रहा है कोना खुतरा, कुछ देखा नीचे उतरा। नीचे दिए हुए लफ्जों में सही लफ्ज पर ये पेश निशान लगाओ, पेश का निशान लगाओ। तो यहाँ कुछ लफ्ज दिए गए हैं, पहला है बरी, तो उसमें हम पेश लगा देंगे तो क्या बन जाएगी बुरी। यहाँ क्या है छुरी, लेकिन इसमें हमको पेश लगाना है तो उसको लगा दिए छुरी। तीसरा है खुतरा, इसको पेश के निशान लगाएंगे खुतरा। चौथा है उतरा, इस तरह से हमने पेश जो है वो निशान लगा चुके हैं। नीचे दिए हुए लफ्जों का इस्तेमाल करो, जैसे हा हा करते रह गए घर के। तो यहाँ हमको इस्तेमाल करके लिखना है, जैसे वाह वाह, छी छी, अरे अरे, इसको हमको इस्तेमाल करके लिखना है। जैसे हा हा को इस्तेमाल किया गया है, हा हा करते रह गए घर के, तो हमको ये तीनों लफ्ज जो है उसको इस्तेमाल करके इस तरह से जुमला बनाना है। पहला है वाह वाह, क्या है वाह वाह। दूसरा है छी छी, तीसरा है अरे अरे, हमको इस्तेमाल करना है उसमें लफ्ज में वाह वाह, क्या तस्वीर बनाई है ना, इसको हमने इस्तेमाल कर लिया वाह वाह क्या तस्वीर बनाई है हम कहते हैं ना। उसके बाद छी छी, कितने गंदे जूते हैं, छी छी कितने गंदे जूते हैं, हम इस तरह से कहते हैं ना। अरे अरे वहां मत जाओ, अरे अरे वहां मत जाओ, है ना। तो ये हमने जुमलों में इस्तेमाल कर लिया। यहाँ क्या करना है हमको, तस्वीर देखकर अपनी पसंद के जुमले बोलो। यहाँ एक तस्वीर दी गई है, इसको आपको देखना है और आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसमें
तो अपने हिसाब से, अपनी पसंद से जो भी तुमको बोलना है आप बोल सकते हो कि तस्वीर में क्या क्या दिखाई दे रहा है ना। आप समझ सकते हो क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको अपनी पसंद से जुमले बोलना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। लफ्जों के माने की जोड़ियां लगाओ, लफ्जों के माने की जोड़ियां लगाओ। लफ्ज है उसके माने दिए गए हैं, लेकिन वो अलग तरतीब में दिए गए हैं, तो हमको क्या करना है, जोड़ियां लगाना है। यहाँ लफ्ज है पहले खाने में, दूसरे खाने में माने दिए गए हैं। तो यहाँ लफ्ज दिए गए हैं वर्दी, सेना, स्याही, पंख, कागा, और इसके माने दूसरे खाने में दिए गए हैं कालिक, पर, कौवा, लिबास, फौज। तो ये जो वर्दी है इसके माने यहाँ हमको ढूंढना है, तो क्या होगा, वर्दी के माने हैं लिबास, सेना, सेना का मतलब है फौज, स्याही, स्याही का मतलब है कालिख, है ना, काली होती है स्याही या ब्लू भी होती है, और पंख यानी पर, कागा यानी कौवा। तो हमने जोड़ियां लगा दी है, वर्दी यानी लिबास, सेना यानी फौज, स्याही यानी कालिक, पंख यानी पर, कागा यानी कौवा। दिए हुए इशारों की मदद से खानों में हर्फ लिखो और लफ्ज बनाओ। इशारे ऊपर से नीचे, तो आपकी किताब में दिया गया है जो है ना खाने बने हुए, उसमें हरफ दिए हैं लेकिन कुछ हरफ छूट गए हैं और हमको वो लिखना है। हम जिसकी इबादत करते हैं, हम नींद में देखते हैं, क्या देखते हैं हम, जहां जंगली जानवर रहते हैं, अंधेरे का उलट लफ्ज। तो यहाँ जैसे हमने यहाँ आपको, हम जिसकी इबादत करते हैं, किसकी इबादत करते हैं, तो हम खुदा की इबादत करते हैं। देखो ख्वा खुदा, हम नींद में देखते हैं तो क्या देखते हैं हम, ख्वाब, ख वाव अलिफ बे, ख्वाब है ना, ये ख्वाब हो गया। जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल में, जो नो गो लो, जंगल। अंधेरे का उल्टा उलट लफ्ज क्या है, जाला, अ ज ओ ल अ, उजाला, ठीक है। क्या है, अब हमको इशारे दाएं से बाएं। दिन में रोशनी फैलाने वाला कौन है, दिन में रोशनी फैलाने वाला, हफ्ते का एक दिन, एक फूल का नाम, बारिश बरसाने वाला, कौन बारिश बरसाता है, तो दिन में रोशनी फैलाने वाला कौन है, दिन में रोशनी फैलाने वाला वो है सूरज। तो यहाँ देखिए स व र ज, सूरज है ना। हफ्ते का एक दिन क्या है, हफ्ते का एक दिन, म न ग ल, मंगल, ठीक है। एक फूल का नाम, फूल का नाम ग ल अ ब, गुलाब, ठीक है। बारिश बरसाने वाला तो क्या है, ब अ द ल, बादल। तो आप इन सारे लफ्जों को इन इनके सामने लिखिए, ठीक है। परिंदों के नाम और आवाज की जोड़ियां लगाओ, परिंदों के नाम और आवाज की जोड़ियां लगाओ। तो परिंदा और ये उसकी आवाज, एक खाने में परिंदों का नाम है, खाने में उस उनकी आवाज है, क
कौवा, कबूतर, चिड़िया, कोयल, तोता, और आवाज चूचू, टेटे, कुहू कुहू, गुटरगू, काय काय। तो कौवा कैसे बोलता है? काय काय। कबूतर कैसे बोलता है? कौवा काय काय। कबूतर गुटरगू, है ना। चिड़िया कैसे बोलती है? चूचू, ये चिड़िया चूचू बोलती है ना। कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू। तोता कैसे बोलता है? टेटे। कैसे बोलता है? टेटे। तो हमने सारे परिंदे पहचान भी लिए हैं और उनकी आवाजें बता दी, ठीक है। अम्लीका, प्यारे बच्चों आपके लिए अम्ली काम है, आपको सरगर्मी करना है। क्या करना है? बंदरबाट कहानी हासिल करके जमात में सुनाओ। तो आपको बंदरबाट की कहानी हासिल करना है और सुनाना है। दूसरा काम क्या है आपको? परिंदों की तस्वीरें जमा करो। जितने भी परिंदे हैं उनकी तस्वीरें जमा करो और अपने ब्याज में चस्पा करो। क्या तुम जानते हो, प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो, कभी कभी बात में जोर पैदा करने के लिए किसी लफ्ज को दो दो बार कहते हैं, जैसे जरा जरा, प्यारे प्यारे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, नन्हे नन्हे, धीरे धीरे, तेज तेज, वगैरह, है ना, करते हैं ना। तो कभी कभी बात में जोर पैदा करने के लिए किसी लफ्ज को दो दो बार कहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस करूंगी तो जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगी सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी फौरन जल्दी से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और एक्टिव रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए, आप उसकी मश कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको जहन नशीन कर लीजिए और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको जरूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।